देखो आज के टाइम पर जिस तरह से धनुष का स्टारडम चल रहा है, बुरी तरह से मूवियाँ फ्लॉप हो रही हैं, और फ्लॉप होने का कारण है गलत स्टोरी पर ये काम करते हैं। जैसा कि अभी इनकी कैप्टन मिलर मूवी आई थी, अब जब इस स्टोरी पर इन्होंने काम किया और मूवी भी काफ़ी अच्छी चली बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से इसका टीजर था, काफ़ी अच्छा हाइप वाला टीजर था, ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा, लेकिन जैसे ही मैं बॉक्स ऑफिस पर गया भाई मूवी को देखने के लिए, तो ये मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस मूवी की कहानी भी अच्छी नहीं लगी, तो एक शब्द में कहूँ तो ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई साहब मारी एक मूवी आई थी जिससे इनका नाम काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास गया था, और मारी मूवी से ही इनका काफ़ी ज़्यादा पहचान बना था, और मारी मूवी को मैंने 3-3 बार देखा, और हिट होने का कारण क्या था, इसकी सही स्टोरी। तो भाई धनुष एक बार इस फिर से एक नई मूवी ला रहे हैं मारी की तरह, इस मूवी का नाम है रायन। अब भाई जब से इस मूवी का मैंने टीजर देखा, भाई टीजर भी 4 मिनट 12 सेकंड का है, ये टीजर नहीं मूवी की हाइप बनाने के लिए लोग अपलोड करें कि मूवी की हाइप बने, जिस तरह से बड़े सुपरस्टारों की हाइप मूवी बनाने के लिए कुछ करते हैं लोग, उसी तरह से इस मूवी की हाइप बनाने के लिए ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इसकी हाइप बना रहा है। और अगर बात करें इसके टीजर की, बस मतलब छोटे से टीजर में दिखाया क्या गया है, तो सिर्फ हाइप दिखाया गया है। तो कैप्टन मिलर का बजट था 55 करोड़ रुपए, जिसने वर्ल्ड वाइड 60 से 65 करोड़ रुपए आराम से कमा लिए थे बॉक्स ऑफिस पर, जो कि एवरेज ठहरी थी, मतलब फ्लॉप नहीं हुई थी, लेकिन मूवी की स्टोरी और मूवी की कहानियों पर भी लोग ध्यान देते हैं, स्टोरी से ही लोग जुड़ पाते हैं, इसलिए ये मूवी एवरेज हो गई। लेकिन अगर बात करें रायना मूवी के बारे में, तो इस मूवी को धनुष ने खुद लिखा है, इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है, और बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा BGM आ रहा है, और धनुष इस मूवी में मेन एक्टर होने वाले हैं। और जैसा कि कैप्टन मिलर में संदीप ने इनका साथ भारी भरकम दिया था, उसी तरह से इस मूवी में भी संदीप देंगे, लेकिन संदीप का एक और टीजर अपलोड हुआ है माया ओन। तो बात करें इस मूवी को पहले रिलीज किया जाएगा माया ओन को, उसके बाद इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि माया ओन का भी टीजर काफी हाईएस्ट वाला टीजर है। और बात करें इसमें एक्टर की, तो दूसरा विजयन को बताया जा रहा है, वरा लक्ष्मी को बताया जा रहा है, जिसने हनुमान मूवी में काफी अच्छी एक्टिंग की थी। इस मूवी का रिलीज डेट है 13 जून 2024, यानी बहुत जल्दी ये मूवी आपको बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो भाई लोग ये पैन इंडिया मूवी होने वाली है, और मैं आपको बता दूं इस मूवी की स्टोरी किसी से भी रिलेटेड नहीं होगी, ये मूवी अपनी संस्कृति से रिलेटेड मूवी होगी। वैसे आप इस मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में जय हिंद।